नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और ये मेरे मई महीने का व्यू है। और बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, 40 क्रॉस ही टेम्परेचर है, 42-43 यही चल रहा है। और मैं हाँ बार बार बताती हूँ कि मैं बहुत गर्मियों में छत पर सब्जियाँ नहीं लगाती हूँ। अडेनियम मेरे ज़रूर हरे भरे हैं और इनमें गर्मी में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। इतनी गर्मी में भी अगर एक आध दिन पानी नहीं डालेंगे, दो दिन पानी नहीं डालेंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पुराने भी हैं और इनके बड़े बड़े मोटे तने हैं और जिसमें ये पानी स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन बाकी जो फसल है, जो हम सब्जियाँ उगाते हैं गर्मियों में, वो उगाना बहुत कठिन हो जाता है। और इस समय तो दोनों वक्त पानी डालना पड़ता है, इसके अलावा शावरिंग करनी पड़ती है, नहलाना पड़ता है पत्तों को, बेलों को, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे उगाया जा सकता है। मैं ये बार बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती सब्जी, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर बड़े बड़े ड्रम हैं मेरे, तो सारे ड्रम मैं सरका के एक साथ, एक के पास एक मिला के रख दूँ, ताकि एक एक पौधे की नमी दूसरे पौधे तक पहुँचे और एक ह्यूमिड सा वातावरण बन जाए। अब चूँकि मेरे ड्रम तो बड़े भारी हैं और लाइन से रखे हैं, देखिए आप ये एक तरफ रखें और सब बेलें सूख रही हैं, तो मैंने इस समय इनमें पानी देना बंद कर दिया है। ड्रम खाली करती जा रही हूँ और मिट्टी पलट के उसको सन एक्सपोज कर रही हूँ, तो वो स्टरलाइज हो जाएगी। और ये बेल देखिए मेरी, उसकी है, कुंदरू की है। एक दो बार कमेंट आया कि आपकी कुंदरू की बेल सूख गई क्या। कुंदरू की जड़ होती है, अगर बेल सूख भी जाए, मैंने अभी सर्दियों में बेल काट दी थी पूरी, तो ये बेल है, फैल गई है, बस मैंने इसको ऊपर नहीं चढ़ाया। इसी के साथ एक ये तोरई भी लगी है, वो भी इसीलिए नहीं चढ़ाई कि ऊपर गर्मी में ऊपर चढ़ाने में होती नहीं है। तो बेलें जो हो भी रही हैं उनमें बहुत फ्रूटिंग नहीं हो रही है, केवल एक कद्दू फल रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बाकी आप गर्मी का असर बगीचे पे देख रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि सब्जियां नहीं हो सकती, पर मेरा तो अपना लाइफस्टाइल यही है कि मैं ठंड भर खूब सब्जियां लेती हूं और बरसात में सब्जियां लेती हूं। बाकी जो गर्मी आती है इसमें मैं फसल नहीं लेती। बाकी जो गमले परमानेंट पौधे हैं उन्हें मैंने नेट के नीचे रख दिया है। ये देखिए आप कि कद्दू है, जो मैंने इसको मैंने मार्च में लगाया था और इसमें दो फल लग रहे हैं और अच्छा लगा मुझे, कम से कम दो फल तो मिले। इसको भी मैंने क्रीपर की तरह दूसरे ड्रम में फैला दिया है ताकि इसको ठंडक मिलती रहे। अब मैं ये नहीं कह सकती कि इस कद्दू की साइज कितनी बड़ी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। सुबह पानी डालती हूँ, शाम को ये ड्रम पूरा सूख जाता है। और मेरे साथ ये भी समस्या है कि मेरी मिट्टी में किचन कंपोस्ट और धान की भूसी हल्का मटेरियल है, बहुत हल्की मिट्टी है, तो उसकी पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम है। तो यदि हम सुबह पानी देते हैं ना, ये देखिए एक और कद्दू पॉलिनेट हो गया है। और हाँ, ये मैंने हैंड पॉलिनेट कराया है। इस इतनी गर्मी में कीट पतंगे नहीं आते, नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होता। करेले ने अच्छी फ्रूटिंग दी, लेकिन अब तो मैंने करेले भी बंद कर दिए। ककड़ी, करेला, बाकी तोरई, सब मैंने पानी देना बंद कर दिया। फल रही थी, कद्दू का फल आ रहे थे, लेकिन जितना पानी, जितनी मेहनत, हम जब छत पर आते हैं, अगर हमको सुबह के काम में 8:30-9 बज जाए, तो 9 बजे भी छत पे धूप इतनी होती है कि आधा घंटा अगर हम बिना कपड़ा लपेटे छत पर खड़े रहें, पानी दें, तो सिर तप जाता है। तो कुल मिला के यही है कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मैं तो गार्डनिंग, मैंने हर बार कहा, खूब एंजॉय करती हूँ और ये एंजॉयमेंट के लिए ही है। और गर्मियों में मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा पीछे कर रखा है। आप बस इंतज़ार कीजिए, जैसे ही जून जुलाई आएगा, इस बगीचे का रंग बदल जाएगा। और ये भी एक अनुभव है कि आप देखिए कि स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस लेते हुए स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग कीजिए। जब जितना मन हो जाए कर लीजिए,
देखिए हवा चल रही है और ये मुनगा कितना अच्छा हो रहा है। तो जैसे मुनगा है और शहतूत लगे हैं, ये तो परमानेंट प्लांट है, और इन्हें अब मैं पता है खेत पर शिफ्ट कर दूंगी। मैं आपसे शेयर कर ही रही हूँ कि खेत पर बोर कराया है, तो मैं वहाँ बड़े पौधे भी लगाऊंगी। तो जो पौधे मेरे यहाँ कंटेनर में बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे नींबू है, ये मुनगा है, तो इन सबको मैं वहाँ ज़मीन में उतार दूंगी और ये जल्दी सरवाइव कर जाएंगे। कुछ पौधे तो मैंने पहले ही प्लानिंग के तहत ही गमलों में लगा के रखे थे कि इन्हें मैं बाद में वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। एक अमरूद है, एक संतरा है और भी बहुत कुछ है। तो बस ये मई का ओवरव्यू आपने देख लिया होगा, सिवाय अडेनियम के बाकी तो सब पौधे दुखी हैं गर्मी में। सिर्फ अडेनियम ही एकमात्र खुश है। तो यदि आपके पास समय कम है, आपकी छत पर बहुत धूप आती है, तो आप अडेनियम ज़रूर लगाएं। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।